नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट देने जा रहे हैं वो डोरंडा कॉलेज से रिलेटेड। तो आपको अगर कहीं पे एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे ऐसे 18 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है। क्या है प्रोसेस, किस प्रोसेस से आप एडमिशन ले सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है और क्या तरीका है हर चीज़ों का अप्लाई करने का, सारा मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ। बस आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। और नीचे जा करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं हर तरह का अपडेट को पाने के लिए। आप बगल के बेल आइकन को भी बजा लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए यहाँ पर बात करें कि डोरंडा कॉलेज रांची जो है मारवाड़ी कॉलेज के बाद में जो है उसी का नंबर आता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। उसके बाद में बात करें तो वो रांची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा उस समय ही आपका एग्ज़ाम डोरंडा कॉलेज से भी होगा। पढ़ाई भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। यहाँ पे बात करें कि आपका सीट फुल हो गया है तो कौन सा सब्जेक्ट का सीट फुल हो चुका है अभी तक 9 तारीख के अनुसार, 9 सितंबर के अनुसार, तो आपका सीट फुल हुआ है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और कुड़ुक, ये तीन चीज़ों में आपका सीट फुल हो चुका है। और तीन सब्जेक्ट में आपका मेरिट लिस्ट निकाला गया है। कौन सा सब्जेक्ट में? हिंदी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। इस पे आपका मेरिट लिस्ट निकाला गया है। तो जो स्टूडेंट इसमें अपना अप्लाई किए हुए थे वो 20/9/2023 के अंदर में अपना डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए कॉलेज जा करके। वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद चांसलर पोर्टल से आपको पेमेंट करना है। वहीं पे बात करें कि जो 18 सब्जेक्ट है जैसे मैंने बताया जिनका सीट फुल हो चुका है और जिनका मेरिट लिस्ट निकला हुआ है, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट 18 से उस पर डायरेक्ट एडमिशन चल रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो मतलब कि पहले आओ पहले पाओ के बेसिस पे है। कौन सा सब्जेक्ट है मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि प्रोसेस क्या है, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए चांसलर पोर्टल आपको ओपन कर दिया जाएगा। 12/9/2022 से लेकर के आप चांसलर पोर्टल पे फॉर्म भर सकते हैं। अब 12/9/2023 से आपका चांसलर पोर्टल ओपन हो जाएगा डोरंडा कॉलेज का, जो जो सब्जेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन है। तो उस 18 सब्जेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन के लिए फॉर्म पहले भरना होगा चांसलर पोर्टल पे। चांसलर पोर्टल पे फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या है कि एक अंडरटेकिंग फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा डोरंडा कॉलेज के वेबसाइट से। वेबसाइट में अंडरटेकिंग फॉर्म डाला हुआ है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके ऑफलाइन मोड पे आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड पे आपको अंडरटेकिंग फॉर्म देना है। उसके बाद में उस समय में आपको सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, उसके साथ में 2 सेट हर डॉक्यूमेंट का कॉपी लेके जाना है। 2 सेट कौन सा डॉक्यूमेंट का? 10-12 का मार्कशीट और एडमिट कार्ड। बहुत बच्चे बोलेंगे कोरोना के टाइम में एडमिट कार्ड नहीं मिला था, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करें माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए, CLC या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये चाहिए, माइग्रेशन तो लेना ही लेना है। उसके साथ में 2-2 पीस जेरोक्स भी, ओरिजिनल भी चाहिए। और ST/ST OBC में है तो वो आपको चाहिए। CUT अगर दिए होंगे तो उसका एडमिट कार्ड और मार्कशीट चाहिए। आधार कार्ड वो भी लेकर के जाइएगा और अंडरटेकिंग फॉर्म जो डाउनलोड कीजिएगा वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर के। आपको पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जो फॉर्म भरेंगे उसका एक फॉर्म का भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा 2 पीस, वो जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे हो जाएगा उसके 12 से लेकर के 24 घंटा के अंदर में आपको वेरिफिकेशन होगा चांसलर पोर्टल पे। फिर आपको चांसलर पोर्टल पे जाना है, वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे जा करके आप पूछ लीजिएगा, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा वहीं पे कि कितने टाइम पे मेरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, उस टाइम पे फिर जा करके आपको वेरिफिकेशन में जा करके क्लिक कीजिएगा, चांसलर पोर्टल पे लॉगिन कीजिएगा। वहाँ पर अप्रूव्ड बाय कॉलेज आपको दिख जाएगा। अप्रूव्ड बाय कॉलेज जैसे ही हो जाता है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से पेमेंट कर लीजिएगा और उसका जो रिसिप्ट निकलेगा उसको जा करके डोरंडा कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। ये प्रोसेस है, फुल प्रोसेस मैंने आपको बताया सिंपल वे में। और इसमें दिक्कत होती तो एक बार रिवाइज करके फिर से वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। वहीं पे बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट, 18 सब्जेक्ट है जिसपे आपका एडमिशन डायरेक्ट बेसिस पे हो रहा है डोरंडा कॉलेज रांची में। तो ये है आपका इंग्लिश, ज्योग्राफी, बंगाली, संस्कृत, कुर्माली, खोरठा, नागपुरी, मुंडारी, पंचप्रज्ञा, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी और कॉमर्स। मेजर सब्जेक्ट में मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये सारा सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट में आपका
फिर से अगर दिक्कत होती है थोड़ा सा रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो, और लोगों तक शेयर कीजिए जिनका एक साल बर्बाद ना हो। अगर मारवाड़ी के चक्कर में आप पड़े होंगे तो आपका एक साल बर्बाद होने के चक्कर में होगा, क्योंकि आपका अगर हाई कट अप गया है, एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या कहीं भी एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप डोरंडा कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले लीजिए। सबसे सुनहरा मौका मिला है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। जो पहले जाएगा, अगर आपसे पहले मैं चले गया तो मेरे को मिल जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा, इसलिए सबसे पहले जाकर के एडमिशन कराइए। दिक्कत होती है कॉमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके हेल्प करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।